बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज मुझे वाकई याद आया काजी अबू यूसुफ रहिमुल्लाह ताला का। काजी अबू यूसुफ रहिमुल्लाह ताला ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमुल्लाह ताला के जलील कदर शागिर्दों में से हैं और आपके उलूम फ़ुयूज़ को आगे पहुँचाने के लिए बेहतरीन तर्जुमान हैं और बहुत ऊँचा मुकाम अल्लाह ने उनको अता किया। और वह हारून रशीद बादशाह के दौर में काजी थे, काजी कुजात थे। तो एक मरतबा हारून रशीद और काजी साहब बैठे हैं और भी दरबार में लोग बैठे हैं, तो हारून रशीद ने सवाल किया कि काजी साहब ये बादाम का हलवा लजीज होता है या पिस्ते का हलवा लजीज होता है। अच्छा, कि ये बहस छिड़ गई, ये सवाल। अब अहले इलम की शान ये होती है कि वो आम चुटके होते हैं जो दुनिया के, उसमें भी इलमी अंदाज से सोचते हैं जी। तो काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला उनके अंदर भी एक मजाक की जो है वो थी, राग थी। तो आप मुस्कुरा फरमाने लगे कि बादशाह सलामत के मुद्दे मुद्दा ले जब तक अदालत में पेश ना हो उस वक्त तक वो फैसला करना मुश्किल है। तो बादशाह का समझ गया, तो फौरन बावर्ची को इशारा किया लेके आओ भाई। अब वो बादाम का पिस्ता और जो है वो उसका बादाम का हलवा पिस्ते का हलवा जो तैयार होके आ गया। अब जो हजरत के सामने रख दिया, अब हजरत ने उसको एक को चखा फिर दूसरे को चखा। अब सारा दरबार देख रहा है कि क्या कहते, फैसला करते हैं। यहाँ तक कि दोनों प्याले जो है साफ कर दिए, खा लिए। खाने के बाद फरमाया कि बादशाह सलामत ये ज़िंदगी में पहला ऐसा मुकदमा आया कि मुद्दा मुद्दा ने इतने कांटे का मुकाबला हुआ है कि एक के हक में फैसला देने लगता हूँ लेकिन दूसरा ऐसा जो अपनी दलील पेश करता है कि फिर मैं उसके हक में फैसला नहीं देता। तो फरमाया कि दोनों बराबर रहे, बड़ा जोरदार मुकाबला हुआ, लिहाजा दोनों फरीक बराबर है। तो कहने का मकसद ये कि अहले इलम जो लोग हैं उनमें एक मजाक का जो एक रंग होता है ना, तो ये भी सुन्नत है। और लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ऐसा मजाक का रंग था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ऐसा मजाक फरमाया करते थे। जैसे वो मशहूर हदीस है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खजूरें खा रहे हैं और खजूरें खा के गुठलियाँ जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास सामने रख रहे हैं। अब जब सब खजूरें खा के फारिग हो गए लोग, तो अब हज़रत अली के सामने इतनी बड़ी गुठलियों का ढेर और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ भी नहीं है। तो आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मज़ा फरमाया, फरमाया अली तुमने इतनी खजूरें खाईं, मतलब डबल गुठलियाँ थी, इतनी खजूरें तुमने खाई है। अब अली भी हज़रत अली बड़े हाजिर जवाब थे, ज़ाहिर है कि आप ही के तो का खून था। तो हज़रत अली मुस्कराए, फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने गुठलियाँ तो छोड़ दी, आपने तो गुठलियाँ भी नहीं छोड़ी। तो जैसा हंसने लगे एक मज़ा का रंग पैदा हो गया। तो कहने का मकसद ये मज़ा जो है ये भी दीन इस्लाम का एक ऐसा रंग है कि जिससे फिज़ा के अंदर जो है एक रौनक पैदा हो जाती है। बहुत दिलचस्प, बहुत मज़ेदार।